नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सितंबर 2019 के। तो इस तरीके से मैं आप लोग के साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करता रहूंगा। हम लोग जो है दोस्तों मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के जितने भी परीक्षाओं की मैं तैयारी करा रहा हूं, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं और एक एक करके हम लोग सभी प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये आज की वीडियो नहीं देखी तो फिर आपने क्या देखा। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहां पर 50 प्रश्न। देखते हैं कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन का जवाब ठीक ठीक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया प्रमुख किसे घोषित किया है? सभी लोग बताएंगे, मैं सभी से पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया प्रमुख किसे घोषित किया है? सही जवाब है आपका राकेश कुमार भदौरिया। राइट आंसर होगा आपका राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन। आप सभी को दोस्तों यहां पर ये बताना है, राजनाथ सिंह जी ने कौन से स्वदेश निर्मित विमान से उड़ने वाले पहले रक्षा मंत्री बने? तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो फिलहाल ये जो है आपके तेजस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्री राजनाथ सिंह जी तेजस स्वदेश निर्मित विमान से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राजी को। सही जवाब है दोस्तों यहां से आपका राजी, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का खिताब किसे मिला? तो निर्देशक का खिताब दोस्तों यहाँ पर मिला है श्रीराम राघवन को फिल्म अंधाधुन के लिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ पर श्रीराम राघवन को फिल्म अंधाधुन के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? सभी लोग बताएंगे, पद्मावत फिल्म के लिए अभिनेता थे रणवीर सिंह, तो इनको मिला है यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? बिल्कुल राजी फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने। राइट आंसर होगा आपका आलिया भट्ट। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता बेस्ट डेब्यू एक्टर का खिताब किसे मिला है? सही जवाब है आपका ईशान खट्टर को फिल्म धड़क के लिए। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनेता को दोस्तों बता दिया, अब आपको बात करेंगे अभिनेत्री की। तो अभिनेत्री दोस्तों कौन होगी? तो बिल्कुल सारा अली खान फिल्म केदारनाथ के लिए आईफा अवार्ड से नवाजा गया इनको। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर का खिताब किसने जीता है यहाँ पर? राइट आंसर होगा आपका अरिजीत सिंह, सॉन्ग ए वतन राजी के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल जो ए वतन सॉन्ग है उसके लिए इन्हें दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल ये सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है आईफा अवार्ड से ही है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आईफा अवार्ड 2019 का। अब बताएंगे आप लोग, प्लेबैक सिंगर फीमेल का खिताब किसने जीता, बताइए दोस्तों। तो प्लेबैक फीमेल का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है, अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आपका एन यानी कि हर्षदीप कौर और विभा सरब। तो बिल्कुल हर्षदीप कौर को यहाँ पर, और आपका जो है राजी फिल्म के लिए दिया गया है, तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने, बेस्ट म्यूजिशियन का खिताब किसने जीता है इसमें? तो बिल्कुल बेस्ट म्यूजिशियन का खिताब जीता है यहाँ पर इन सभी लोगों ने जीता है। अब दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपके याद करने के लिए दोस्तों पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। इस लिस्ट को अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आप लोग के प्रिपेयर हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, चलिए फिलहाल ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैं इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को दे दूंगा जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तेलंगाना विधानसभा में नल्ला माला बनों में किस रासायनिक तत्व के खनन को रोकने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया? तो दोस्तों यहां से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, अब आपको बताना है यहाँ पर ईपीएफओ ने, ठीक है ना, एफओ ने 6 करोड़ खाता धारकों को वर्ष 18-19 के लिए कितना परसेंट ब्याज दिए जाने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा आपका 8.65%, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर होगा 8.65%। बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों?
आप सभी को यहाँ पर ये बताना है बाघ दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका 18 सितंबर को। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अब आप सभी को बताना है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसके बाद देखें 2020 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय रेसलर कौन बनी। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना है 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन बनी है। तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आप सभी का विनेश फोगाट। ओके तो ए वाला विकल्प आपका सही होगा। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करा दूंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है दोस्तों। बस आप लोग फॉलो करते चले जाइए, जितने भी वीडियो आपको मिल रही है इनको सभी को पढ़ते हुए चले जाइए। और पीडीएफ फाइल आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो मिस होने का मतलब है एक क्वेश्चन मिस होना। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने हाल ही में कजाकिस्तान में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका कांस्य पदक जीता है, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका कांस्य पदक। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 2019 ऑस्कर के लिए नामित भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग के निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक हैं आप लोग के निर्मल चंद्र डंडरियाल। ओके एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका निर्मल चंद्र डंडरियाल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2019 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होगा आपका, डी वाला होगा भारत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 देश से सर्वाधिक प्रवासी अन्य देश में गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, राइट आंसर होगा आपका भारत। अब आप सभी को बताना है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सही जवाब है आपका रॉबर्ट ओ ब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। तो ये कौन सा राज्य सरकार है, तो राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक ने, दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, टाइम जो है कम है, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मुझे जल्दी से जल्दी आपको कराना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में फूड पार्क के लिए कितने रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। राइट आंसर होगा 3000 करोड़ रुपए। ठीक है आप देखेंगे हमारा जल्दी से अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने म्यांमार में 2019 इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF के वर्ल्ड बिलियर्ड्स और चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है। सही जवाब होगा आपका पंकज आडवाणी जी ने, यह पंकज का 5वां खिताब है। 2019 वियतनाम ओपन सुपर 100 बैडमिंटन से प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है सौरभ वर्मा ने। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टर्बुलेंस एंड ट्राइफ द मोदी ईयर्स इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है किस फिल्म को 92 अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट आपका दिया गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। राइट आंसर है आपका गली बॉय। इसके बाद देखते हैं हाउडी मोदी का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया गया था आपका ह्यूस्टन में। राइट आंसर होगा आपका ह्यूस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए बिना कोई छूट कॉर्पोरेट टैक्स के दर को 30% घटाकर कितना कर दिया। राइट आंसर होगा आपका 22%। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्टमागीन वतुल्गा और प्रधानमंत्री हमारे सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 20 सितंबर को गंदन तेग चिनलिंग मठ के मठ में भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिभा का अनावरण किया, यह किस शहर में स्थित है। तो यह है आप लोग का यहाँ पर उलान वातर मंगोलिया की राजधानी जो कि यहाँ पर स्थित है। ओके तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग का, राइट आंसर होगा आपका उलान वातर। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना को निर्देशित बम स्पाइस 2000 की आपूर्ति की है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने ये रहा एकेडमी डेक्स बीएक्स फोटोग्राफी अवार्ड विलियम क्लेन
एकेडमी, तो जैसे मैंने आपको बताया विलियम क्लेन, इस पुरस्कार के लिए किस भारतीय फोटोग्राफर को चुना गया है? राइट आंसर है आपका रघु राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी गांव विजयनगर अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां एयरफोर्स ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन किया है? सही जवाब है आपका चांगलांग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है? उत्तराखंड सरकार। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसे मिला है? सही जवाब है आपका शेख हसीना, जो कि बंगाल के प्रधानमंत्री हैं। और ये रहा दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन प्रथम विश्व मरीज सुरक्षा दिवस मनाया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, 17 सितंबर। ओके, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 17 सितंबर। तो फिलहाल इसकी PDF फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बिल्कुल इस जो है वीडियो से आ सकता है आपके किसी भी पेपर में। और मैं ऐसे मंथली वाइज जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे मैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कुछ भी बचना नहीं चाहिए दोस्तों इस बार। और बिल्कुल तैयारी डटकर कीजिए दोस्तों, आप सभी लोग लगे रहिए। और जितनी भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूँ ये मानकर चलिए कि हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% श्योर है। और बाकी आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।